वेलकम ऑल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरव्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आजकल आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैन वी हैव स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस, यानी कि क्या इंटरफेस में स्टैटिक मेथड्स हम रख सकते हैं, अलाउ हैं? तो इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेस एक्चुअली इंटरफेस में होता क्या है। इंटरफेस में जितने भी मेथड आप डिफाइन करते हो, बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यानी एवरी मेथड्स इन इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। आप उसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करो या ना करो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, इंटरफेस में जब बाय डिफॉल्ट सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसा सपोज किया था, यानी कि ऐसा ऐसा क्यों डिजाइन किया था कि जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, वो क्या करेगी, इन क्लास को, इन फंक्शंस को क्या करेगी, ओवरराइड करेगी, यानी इसकी बॉडी देगी। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड आता है कि चूंकि हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है कि स्टैटिक मेथड इंटरफेस में क्यों नहीं होते हैं, तो पहले स्टैटिक मेथड देखते हैं कि स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो क्या ओवरराइड होते भी हैं किसी क्लास में। क्योंकि मान लो मैं स्टैटिक मेथड्स डिक्लेयर कर दूं, मतलब क्या करूं मैं, क्योंकि आपके इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने एक स्टैटिक मेथड डिफाइन भी कर दिया एज ए स्टैटिक, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, स्टैटिक मेथड भी है, यानी दोनों चीजें, वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी है और साथ में स्टैटिक भी है, तो क्या हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स पहली बात तो क्या करते हैं, ओवरराइड होते ही नहीं है किसी भी क्लास में। स्टैटिक मेथड कभी ओवरराइड नहीं होते, ओवरराइड जो होते हैं वो हमेशा नॉन स्टैटिक होते हैं। ठीक है। तो अब इससे हमारे क्या कंक्लूजन निकला कि सही से देखा जाए तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि हम स्टैटिक मेथड्स को इंटरफेस में रखें। ठीक है, ऐसा कोई सेंस बनता ही नहीं। तो ये, लेकिन ये जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो माना गया था, ये जावा किस जावा जो 7 तक वर्जन आया वहां तक इसको इसी तरह ट्रीट किया गया। लेकिन जब जावा 8 आई हमारी पिक्चर में, जब जावा 8 लॉन्च हुई, तो उन्होंने बोला कि हम एक काम तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि चूंकि स्टैटिक मेथड की खासियत और क्या होती है कि स्टैटिक मेथड्स का किसी ऑब्जेक्ट से कोई लेना नहीं। स्टैटिक मेथड मतलब जो आपके क्लास से रिलेट करते हैं, जब क्लास लोड होती है तो मेथड भी क्या होते हैं, लोड हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम अपने इंटरफेस में स्टैटिक मेथड्स को अलाउ कर दें, लेकिन केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, स्टैटिक मेथड को एज ए नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ कर दें, मतलब आप इंटरफेस में स्टैटिक मेथड बना सकते हो, लेकिन आपको उसका डिक्लेरेशन एज वेल एज उसका क्या, इंप्लीमेंटेशन पार्ट, यानी दोनों को दोनों देना पड़ेगा, यानी उस मेथड को क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक लेकिन साथ में नॉन एब्स्ट्रैक्ट, तो उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। इसलिए अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है तो एक्चुअली जावा 7 तक इसका आंसर लोग यही देते थे कि इंटरफेस में आपके क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड हम रख ही नहीं सकते। लेकिन जावा 8 के बाद क्या किया गया है, इसको कंसीडर किया गया है कि जावा 8 और इससे ऑनवर्ड्स जितने भी आप जावा है उसमें आप इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख वो सॉरी स्टैटिक मेथड जो है वो रख सकते हैं। तो आप देखो, मैंने यहाँ पे प्रदीप इंटरफेस एक बनाया, इसमें मैंने एक मेथड वेलकम बनाया जो कि क्या है, स्टैटिक है, और इसको मैंने यहाँ पे पूरा डिजाइन कर रखा है और इस क्लास में कोई एरर नहीं दिया, और मैं आपको यूज करके भी दिखाता हूँ। मैंने प्रदीप मेन क्लास एक बनाई है, उसके अंदर इस प्रदीप इंटरफेस का डॉट वेलकम करके मैंने जो है वेलकम मेथड कॉल करा है, और चूंकि स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्ट हमें क्या है, इंटरफेस के नाम से हम कॉल करा सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं। तो ये देखो, इसने नीचे आउटपुट में मुझे दे भी दिया है कि ये प्रिंट कर रहा है प्रदीप इंटरफेस वेलकम, तो कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन आंसर कब देना है, जावा 8 के बाद से आंसर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और स्पेशली यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि आपका जो आंसर है वो आंसर यस है, लेकिन जावा 8 और उसके बाद, उससे पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।